नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, राम आशीष राय ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बलिया करीमुद्दीनपुर थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक युवती को हैबतपुर गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय पुलिस को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैबतपुर निवासी राम आशीष राय की पुत्री सृष्टि राय के खिलाफ गाजीपुर जनपद के करीमुद्दीनपुर थाने में 52 लाख रुपए धोखे से गबन करने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस ने सृष्टि राय को गिरफ्तार किया है। उधर इस मामले में सृष्टि राय के परिजनों ने आरोप लगाया कि करीमुद्दीन थाना पुलिस बिना सर्च वारंट व बिना किसी कागजात के ही सृष्टि राय को गिरफ्तार करने हमारे यहाँ चली आई। इतना ही नहीं, पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा सृष्टि राय को हाथ पकड़ कर ले जाया गया, जो कि सरासर गलत है कानून की नज़र से। प्रीत पिता राम आशीष राय ने गाजीपुर स्पीकर आरोप लगाया कि मैं जब इस सिलसिले में उनसे मिलने गया तो एसपी भी हमारे साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा नाम राम आशीष राय है, मैं आर्मी का रिटायरमेंट जवान हूँ। तो ये किस सिलसिले में, किस मामले में आखिर करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस कल हैबतपुर गांव आई थी और आपकी बेटी को गिरफ्तार किए हैं, थोड़ा सा डिटेल जानना। साहब ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या जानते हैं, अच्छा। मेरी बड़ी बेटी का शादी जो है गुणौर हुआ है उपेंद्र राय के साथ। अब वहाँ पे क्या प्रकरण है मैं क्या जानता हूँ। मेरी बेटी के खाते में, छोटी बेटी के खाते में ये लोग बोल रहे हैं कि पैसा आया हुआ है। हम ये भी नहीं जानते कि क्या पैसा आया क्या नहीं। आपकी छोटी बेटी का नाम ही सृष्टि? हाँ, सृष्टि राय है। मेरी बेटी का नाम छोटी का सृष्टि राय है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो गाजीपुर थाने की करीमुद्दीनपुर थाने की पुलिस जो यहाँ आई थी, हाँ। क्या कोई गिरफ्तारी, कोई वारंट वगैरह या कोई एफआईआर की कॉपी, मैंने कुछ बताना वो लोग आप लोगों को मुनासिब समझा कि हाँ इसलिए हम लोग आए गिरफ्तार? नहीं, वो कुछ भी दिखाए नहीं। और हमारे बच्चे जो है पूछते रहे लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखाए। और जब पूछे कि भाई आप दिखाइए, तो इनको धक्का मार करके घर के अंदर घुस गए और जा करके मेरी बेटी को ऊपर से पकड़ लिया। घर में सोई थी, उसको पकड़ करके लेकर चले। अच्छा, आपको आपकी बेटी को जो आप कह रहे हैं कि पकड़ के लेकर चली गई, उस समय क्या कोई लेडीज पुलिस थी जिस वक्त पकड़? लेडीज पुलिस थी लेकिन वो नहीं पकड़ी। एक रामाश्रय राय था और उसने एसओजी प्रभारी, उसने हाथ को पकड़ा मेरी बेटी को। और एक जो है करीमुद्दीनपुर थाने का जो है क्या नाम है, विश्वनाथ यादव था एसओ, उसने पकड़ा मेरी बेटी को। तो कुल मिला के आपका कहना है ये कि आपकी बेटी जो है निर्दोष है और झूठ मूठ का उसे फंसाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप आगे की कोई अधिकारी के पास आप गए थे? मैं एसपी बोथरे के पास गया था। एसपी बोथरे मतलब गाजीपुर के? गाजीपुर एसपी के पास गया, लेकिन वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया। अच्छा, उसने बोला कि तुम लोग 32 कमरे के रूम में रहते हो, क्यों नहीं बेच करके उसका पैसा दे देते हो, साले तुम लोग जो है बदतमीज आदमी हो, ये है वह करने लगा हमारे साथ जो है बहुत बदतमीज। क्या लग रहा है आखिर ये पैसा किसके पास से कौन लिया है? अब हम क्या जानते हैं कि पैसा कौन लिया है। हमारी बेटी के खाते में बगैर जाने पहचाने जो है उसके खाते में ट्रांसफर किया गया, वो पता नहीं फ्रॉड का पैसा था किसका पैसा था, हम लोग क्या जानते हैं। उपेंद्र राय का था, उपेंद्र राय ने निकलवाया और मेरी बेटी उनको दे दी। अच्छा, उपेंद्र राय बोले कि बेटा ये पैसा मेरा है, वो निकाल करके दे दिए। वो क्या जानते कि किसका पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ये सब पैसा काला धन को ये लोग सफ़ेद बनाना चाहते हैं। पूरे आईपीएस आईएएस सब मिले हुए इसमें जो है, और मिल करके जो है मेरे दामाद को भी बदनाम कर रहे हैं और झूठ का मतलब फंसाया जा रहा है। मेरी बेटी को तो बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया। थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये सृष्टि आप लोगों की क्या लगती है? बहन। तो कल जिस तरह से पुलिस आई थी यहाँ पे और गिरफ्तार करके ले गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पुलिस कुछ नहीं दिखाई, न बोली।